नमस्कार, मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग जीतनराम मांझी के आवास पर है और यहाँ पर होली सम्मेलन आयोजित किया गया था। और आपको बता दें कि संतोष सुमन मांझी जो हैं, उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग पर जल्द ही बात होगी, क्योंकि आज होली सम्मेलन है इसलिए कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं की जाएगी। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं कि संतोष सुमन क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर सभी के आपस की जो दूरियाँ होती हैं मिट जाती है, सभी आपस में मिल जाते हैं। रंग ऐसा चीज़ है, किसी चीज़ पर आप लगा दीजिए तो चढ़ जाता है। न यहाँ कोई जात रहता है, न कोई यहाँ धर्म रहता है। तो होली एक ऐसा पर्व है कि सबको एक कर देता है, सबको रंग बिरंगी करता है। सब जिस रंग में रंगते हैं उस रंग नज़र आने लगता है। तो इस पर्व के माध्यम से हम जनता को, बिहार की जनता को यही कहना चाहते हैं कि होली के इन रंगों से भी आप कुछ सीखिए और खुशियां लाइए और खुशियां बांटिए। तो आज के दिन में ही मैं शुभकामना देता हूं कि सब आपस में रहें, भाईचारा मेंटेन करके रखें, शांति से रहें, बिहार के समृद्धि में काम आएँ। और आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि और ज़्यादा हम कुछ नहीं, होली के सबको शुभकामना। इस बार देश में किस रंग का लहर है सर, क्या कहेंगे? चुनाव काफ़ी नज़दीक है। देखिए, चुनावी बातें आज नहीं करने का दिन है और हम लोग होली मिलन कर रहे हैं, होली का पर्व मना रहे हैं। इसको होली के रंग में ही रंगने रहने दीजिए, बाकी बातें हम लोग बाद में करें। तो आपने सुना कि संतोष सुमन ने क्या कुछ कहा? साफ तौर पे कह रहे हैं कि जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगी और ज़्यादातर वो आज होली सम्मेलन है तो होली की बधाइयाँ देने की बात कर रहे थे और होली सम्मेलन को आयोजित किया गया है तो होली खेलना उनके लिए प्रायोरिटी था, इसलिए आज उन्होंने पॉलिटिकल बातें नहीं की है ज़्यादा और ज़्यादा कुछ इस बारे में नहीं बोला है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।